19वीं सदी के बीच में कैलिफोर्निया गोल्ड रश ने हजारों निवासियों को अमेरिका के पश्चिमी तट पर ला दिया। लेकिन सोना ढूंढना शायद पूर्व में वापस ले जाने की तुलना में आसान हो सकता है। 6 महीने की भीषण वैगन यात्रा से बचने की एकमात्र उम्मीद महाद्वीप के सबसे संकीर्ण हिस्से पैनामा के 48 किलोमीटर के इस्मस की यात्रा करना था। 1855 तक इस क्षेत्र में फैले रेल मार्ग से यात्रा काफी कम हो गई, लेकिन प्रत्येक पोर्ट पर जहाजों को उतारने और पुनः लोड करने में समय और पैसा खर्च होता था। जल नौवहन हितों के इन दो निकायों को वास्तव में जोड़ने के लिए एक नहर की आवश्यकता थी, इस्मस के माध्यम से एक सतत समुद्री मार्ग। इस विशाल निर्माण परियोजना का पहला प्रयास 1881 में फ्रांसीसी राजनयिक फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा किया गया था। डी लेसेप्स ने मिस्र की स्यूएज कैनाल के निर्माण की देखरेख की थी, लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें अति आत्मविश्वासी बना दिया था। उन्होंने समुद्र तल पर नहर खोदने पर जोर दिया, भले ही इसके लिए कॉन्टिनेंटल डिवाइड पर्वत श्रृंखला के माध्यम से सीधे बोरिंग की जरूरत पड़ती। निरर्थक उत्खनन प्रयास लगातार लैंडस्लाइड के नीचे दब गए, और चूंकि राजनयिक ने पैनामा के शुष्क मौसम के दौरान केवल कुछ समय के लिए ही साइट का दौरा किया था, इसलिए उनके कर्मचारी मूसलाधार तूफान, जंगल के जहरीले जीवों और ट्रॉपिकल बीमारियों के लिए तैयार नहीं थे। $287 मिलियन खर्च करने और 22,000 लोगों की जान गंवाने के बाद फ्रांसीसियों ने इस परियोजना को छोड़ दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स निकारागुआ के माध्यम से एक नहर बनाने पर विचार कर रहा था, लेकिन इस बिंदु पर जहां फ्रांस विफल रहा था, वहां सफल होने का मौका आकर्षक था। पैनामा के नेता भी एक नहर को पूरा करने के लिए उत्सुक थे, जो उनके देश में व्यापार और प्रतिष्ठा लाएगी। हालांकि पैनामा उस समय भी कोलंबिया का हिस्सा था, और वो देश अमेरिका के साथ बातचीत रोक रहा था। अवसर को भांपते हुए राष्ट्रपति टेरी रूजवेल्ट सीधे पनामा वासियों के पास गए। अमेरिका के प्रोत्साहन और सैन्य समर्थन से पैनामा ने 1903 में तख्ता पलट किया। कुछ ही दिनों में वे एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और नहर का निर्माण शुरू करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसियों के चले जाने के ठीक एक दशक बाद अमेरिकी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, और वे अपने पूर्ववर्ती की गलतियों से बचने के लिए दृढ़ थे। पहाड़ को समुद्र तल तक काटने के बजाय वे समुद्र को पहाड़ के ऊपर उठाने वाले थे। योजना नहर को विभिन्न जल स्तरों के साथ कई कक्षों में अलग करने वाले विशाल स्टील गेट बनाने की थी। जैसे ही कोई जहाज गुजरता था, प्रत्येक क्रमिक द्वार खुल जाता था, जिससे अगले कक्ष में पानी का स्तर कम हो जाता था, जबकि जहाज ऊपर उठता था और वो आगे बढ़ पाता था। डिजाइन में इन तथाकथित नहर तालों में से 5 की आवश्यकता थी, 3 अटलांटिक की ओर और 2 पैसिफिक महासागर की ओर, जिससे जहाजों को समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर उठाया जा सके। इस लॉक सिस्टम को चलाने के लिए पानी के विशाल भंडार की आवश्यकता होगी, और सौभाग्य से निचली चागरेस नदी घाटी ने एक प्राकृतिक समाधान प्रदान किया। जहां नदी समुद्र की ओर बहती थी, उस अंतराल पर बांध बनाने से पूरी घाटी में बाढ़ आ सकती थी। 32 मीटर ऊंचा और 800 मीटर से अधिक चौड़ा गतून डैम पहले बने किसी भी बांध से बड़ा होगा। इस नवोन्मेषी योजना के साथ अमेरिकियों को पूरे पहाड़ की खुदाई करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि नहर के लिए सिर्फ रास्ता खोदने की जरूरत थी। फिर भी यह काम चौंका देने वाला था। फ्रांसीसियों द्वारा की गई प्रगति के बाद भी कॉन्टिनेंटल डिवाइड के माध्यम से लगभग 14 किलोमीटर के मार्ग कुलेब्रा कट को उड़ाने, फावड़ा चलाने और ड्रिलिंग करने में 24,000 मजदूरों को 9 साल लग गए। रेलवे, जिसे अब अपग्रेड किया गया है और नहर का अनुसरण करने के लिए उसे रीरूट किया गया, ने गटून डैम स्थल पर उपयोग करने के लिए 76 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक खोदी गई चट्टान को हटा दिया। निर्माण केवल आधी लड़ाई थी। अग्रणी सैन्य अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुर्घटनाओं और बीमारियों ने 5,000 मजदूरों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर अश्वेत कैरेबियाई प्रवासी थे। फिर 1913 के पतझड़ में आखिरकार वो क्षण आ ही गया। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के एक टेलीग्राफ सिग्नल से तटबंध में विस्फोट हो गया, जिससे कुलेब्रा कट में बाढ़ आ गई और अटलांटिक और पैसिफिक महासागर जुड़ गए। आज लगभग 14,000 जहाज सालाना इस्मस से यात्रा करते हैं, प्रत्येक 12 घंटे से कम समय में,
नहर पैनामा के राजस्व का मुख्य स्रोत बनी हुई है और जब से 1999 में देश को इस मार्ग का स्वामित्व प्राप्त हुआ, ये राष्ट्रीय गौरव का स्रोत भी बन गया है। पीसा की झुकी हुई मीनार के 800 साल के इतिहास और वास्तुकला की गहराई में जाएं और पता लगाएं कि किस कारण से ये मीनार झुकी है। और हर हफ्ते नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।